नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को योगी सरकार ने उप मुख्यमंत्री बनाए रखा। आपको बता दें, योगी कैबिनेट के 9 मंत्री इस बार चुनाव हारे हैं, लेकिन केशव मौर्य पर योगी आदित्यनाथ की मेहरबानी इस बार भी देखने को मिली। केशव मौर्य के मामले में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि हार के बावजूद क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि केशव मौर्य को न सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया बल्कि पहले की तरह उप मुख्यमंत्री पद भी दिया गया। अब सवाल ही उठता है कि आखिर क्यों। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे भी हैं जिन्हें पार्टी ने हार के बावजूद दूसरा मौका दिया। उत्तराखंड की तरफ अगर रुख करें तो पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। आपको बता दें, दिवंगत अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ये दोनों भी चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव हार चुके थे, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा ने दोबारा इन पर विश्वास जताया। दिवंगत अरुण जेटली साल 2014 में पंजाब की अमृतसर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन पहली नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्री बने। ये अरुण जेटली का एकमात्र लोकसभा चुनाव था। ठीक इसी तरह स्मृति ईरानी भी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई चुनाव हार गई। साल 2019 में पार्टी ने दोबारा स्मृति ईरानी को टिकट देकर अमेठी में चुनाव लड़वाया, हालांकि स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज कराई। ऐसा ही कुछ केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी हुआ है। केशव मौर्य के मामले में वो 10 साल बाद सिराथू सीट पर लौटे थे। साल 2017 में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, उस वक्त वो सांसद थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मौर्य ने विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ा, वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद गए। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए, लेकिन पार्टी ने अरुण जेटली और स्मृति ईरानी की तरह केशव मौर्य पर विश्वास जताकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी इस बार भी दी। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।